hey, hey, इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने, और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात फोन पर बात की थी। तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी? कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन मुखी, करो ना। क्या हुआ मुखी, बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जा, कह रहा हूँ ना, जा। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं मुखी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं। जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम आठवीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी। ए सुन, तू चुपचाप से माजी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा, और अगर ये दोनों ना कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ मैंने धोखा दिया, क्यों? तुम्हें पाने के लिए, उसके लिए तुम्हें ही नहीं इस दुनिया को धोखा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे, कुछ दिन के लिए नहीं, आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूँ। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना, अब रह लो। सरोज, मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई, गन की क्या जरूरत है? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्सलाइट द्वारा मारे गए। अब नेक्सलाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी, पहले से थी या बाद में हो गई, या फिर मंत्री जी के साथ घूमने वाला बेकार पिया इसका कारण है? ये कारण है, वो कारण है, मंत्री 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 करके सारे न्यूज चैनल पर मैं छा जाऊंगा। चलो मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा, क्यों पिए साहब? जी सर। आप तो चाहते होंगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाऊं। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो जरा मैं टेंशन में टेंशन था। में थे तो फिर गांव या मंदिर जाकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो। तुम्हारे सस्पेंशन की सिफारिश मैं कर दूंगा। नहीं सर, मेरी जिंदगी है सर, प्लीज सर। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू मेरा कल्याण कर देगा, तेरे सरकारी तरीके से ही। देख मैं तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूँ। सर जाओ बेटा, सरकार के लिए काम करते हो ना, डोंट प्ले विथ पॉलिटिशियंस। जा सारी। इसे तो देखकर ही मुझे घिन आती है। तो फिर मैं गन नहीं दूँ ना? सोचती हूँ। मुखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुखी, प्लीज मुझे मेरी गन दे दे मुखी, प्लीज मुखी। ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, ओके सिंगल तक बताना नहीं है। ये सब बिना जाने ही आ गया। छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। सरोजा, अरे भाई तुम थोड़ा संभल कर रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए गया है। सरोजा सुनो तो। सर वो गन, इसे तड़ा उतर जाने दो, उसके बाद दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। सर अब तो मिल गई है ना, वो लड़की मरने जा रही है, हम अपनी परेशानी बाद में सुलटा लेंगे। उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। ये काम जरा बुरा तो लगेगा, लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूंगा। तू यही रह। क्या कर रहा है? इसे मारने के बाद तुझसे बात करूंगा। उसे कुछ हो तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल। वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूं ना? बुरा इंसान क्या करता, दिखाता हूं तुझे।
क्या हुआ बेटी, कौन है वो? ए, क्या ये? क्यों उसके पीछे पड़ा है? तुम्हीं से पूछ रही हूँ। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, समझ में नहीं आता, फोन रखो। जा करके ब्रेक कंटिन्यूटी चेक कीजिए ना। ए, अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा? हाँ, जा तो रहा हूँ। हेलो, इज्जत के साथ सरसर कर रहा हूँ और तू मुझे तू तू कर रहा है? तेरी बातें सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, उनकी तरह नहीं हूँ। क्या करेगा तू? हाँ, जवान है तो क्या मारेगा मुझे? मारेगा? सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। व्हाट? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर। एलपी 11015 कम ऑन लाइन। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? एलपी 11015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। हेलो, एलपी 11015, एलपी गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। एसएम गुडू कॉलिंग। हेलो,